आपकी जो कराई है और अनिवार्य संतान की बारी है, विषय के प्रकरण पक्ष में बात करते हुए कि जवान 30% वोट पाकर कोई व्यक्ति जन आयोग व्यक्ति जन प्रतिनिधि बनता है, और जब 70% वोट पाने वाले जो लोग होते हैं जो उसके सामने प्रश्न खड़ा करते हैं और लोकतंत्र का प्रश्न खड़ा करते हैं, तो ये बात आती है जब वह अपनी उदासी के कारण जिस दिन वोट करने जाना था वो नहीं जा पाए, इस रूप में जब आवश्यकता पड़ती है कि आज वोट देने की आवश्यकता क्या हो, एक आयोग व्यक्ति को हम साल आगे प्रतिनिधि बना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि कानून बनाने वाले और कानून का संरक्षण वाले का अधिक महत्व है, यद्यपि कानून का कानून से अधिक कानून बनाने वालों का महत्व है। इस स्थिति में आज आवश्यकता है अनिवार्य कानून की, और जब 2009 के आम चुनाव में 58% वोट प्रतिशत था तो 2014 में 66% और 2019 के आते आते यह आंकड़ा 70% आ गया, और महिला पुरुष का अनुपात में अंतर भी मात्र 2% है। आज यह तो आवश्यक रूप से कहा जा सकता है कि आज हमें अनिवार्य मतदान की ओर बढ़ना चाहिए। आज दुनिया के 32 विकसित और विकासशील देश भी इस प्रणाली को अपना चुके हैं। आप लोगों ने कहा कि भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश में संभव कैसे अनिवार्य मतदान प्रणाली, तो आपके इस प्रश्न का उत्तर है आपका ब्राजील है, जिसमें भारत में जनसंख्या के कई मामलों में भी समानता रखता है। आपका ऑस्ट्रेलिया है जो कई मामलों में आपके साथ समानता रखता है जहाँ यह प्रणाली लागू है, और वह आज विकसित कैटेगरी में कई आगे हमसे आज हुए हैं। आज जब बात की जाए, आज जब बात कर रहे हैं हम, तो लोग इस विषय के प्रतिपक्ष मित्रों दिनेश गोस्वामी समिति की रूपरेखा को या अनुच्छेद 21 का बहाना बनाकर इस विषय अनिवार्य मतदान को टालते रहे हैं, लेकिन जब आज बात अनिवार्य मतदान की करते हैं तो जो चुनावी खर्च जो होता है उसमें सबसे अधिक राशि नागरिक जागरूकता के लिए खर्च कर दी जाती है। उस राशि को अगर हम देश हित में राष्ट्र निर्माण में शामिल करते हैं अनिवार्य मतदान के माध्यम से, उसमें राष्ट्र निर्माण भी होगा, जिसके साथ साथ हमको देखने को मिलता है कि राज्य निर्माण अनिवार्य मतदान होने से काला धन भी, जब चुनाव राशि बढ़ती है तो काला धन भी बढ़ता है, जब काला धन बढ़ता है तो हमारे देश के आर्थिक तंत्र पर भी बोझ पड़ता है। जब हम अनिवार्य मतदान कर देंगे चुनाव राशि कम हो जाएगी और काला धन भी कम खर्च होगा। जब लोगों ने कहा कि यह किस प्रकार हम कर सकते हैं कि अनिवार्य रूप से हम किस प्रकार कर सकते हैं, हम पे जबरन थोपा जा रहा है, जबरन कैसे थोपा जा रहा है, जब पहले मतदान होता था तो 15 व्यक्तियों को चुना जाता था, 15 में से एक व्यक्ति को हम चुनते थे अपनी पसंद से, चाहे वह व्यक्ति अपराधी क्यों ना हो उनको चुनना पड़ता था। लेकिन आज अनिवार्य मतदान से हम वोटा का बटन अपने अधिकार और कर्तव्य पालन करते हुए दबाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमने 15 व्यक्ति को रिजेक्ट कर दिया है और हमने और लोकतंत्र में नेगेटिव वोटिंग का ऑप्शन जो हमें अनिवार्य मतदान देता है, इसके साथ साथ लोकतंत्र में मतदान को मतदाता को यह अवसर भी अपने आपको जताने का और अपने अफसोस जताने का भी एक अवसर प्रदान होता है अनिवार्य मतदान के माध्यम से। जब हम लोग कहते हैं आप स्कूल और कॉलेज जाना अनिवार्य होता है तो आपको हमको किसी को अपराधी घोषित नहीं कर दिया जाता, तो इस विषय में कैसे कर दिया जाएगा। जब पोलियो का टीका भारत में अनिवार्य किया गया था तो उसमें आपको हमको अपराधी नहीं किया गया था, क्योंकि कुछ चीजें स्वच्छता के लिए आवश्यक होती है, तो भारत के लोकतंत्र की स्वच्छता, भारत के लोकतंत्र पर आशा और विश्वास लोगों का बना रहे, उसकी लोगों में विश्वास और लोकतंत्र, इसके लिए अनिवार्य मतदान किया जाएगा।